हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पीटीसी रिले का इंटरनल फंक्शन समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पीटीसी रिले रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में लगाया जाता है और भी कंप्रेसर में लगाया जाता है, लेकिन आज हम उस रिले की बात करेंगे जो रेफ्रिजरेटर में लगाया जाता है कि ये अंदर से किस तरह से काम करता है। ये हमारे पीटीसी रिले का बैक साइड है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें चार पिने हैं। आमतौर से इसमें सिंगल पिन भी होती है, जैसा कि ये दोनों हमें सिंगल पिन का दिखाई दे रहा है, डबल पिन का भी हो सकता है और तीन पिन के भी हो सकते हैं। इनकी बनावट कैसी भी हो, पर अंदर से इनके फंक्शन को समझने के लिए हम इस पीटीसी रिले को ओपन करेंगे। जैसा कि बैक साइड में हम देख रहे हैं कि इसमें चार पिने दिखाई दे रही हैं और फ्रंट साइड से जब हम देखते हैं तो इसमें दो होल दिखाई देता है, एक रन के लिए और एक स्टार्ट के लिए। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। इसके लिए यहां लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं इधर से भी और इस साइड से भी, तो ये हमारा पीटीसी रिले ओपन हो जाता है इस तरह से। अब ये अंदर से जो इसकी बनावट है वो कुछ यूं है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये टर्मिनल के लिए बना हुआ है, यानी ये वो पॉइंट है जो सीधा यहां कंप्रेसर के टर्मिनल से अटैच हो जाता है। अब ये पिन है, अगर हम इसमें सप्लाई देते हैं तो वो यहां से डायरेक्ट इस टर्मिनल पर चली जाएगी और अगर ये रन टर्मिनल है तो सप्लाई सीधा रन टर्मिनल में चली जाती है। बीटीसी रिले के अंदर इसके फंक्शन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि अगर हम इस पिन पर सप्लाई देते हैं और इसे इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो ये सप्लाई इस पिन के जरिए से रन टर्मिनल पर पहुंचती है और रन टर्मिनल में सप्लाई को डायरेक्ट जाना होता है तो ये यहां से चला जाता है। पर जो सप्लाई इस जगह आती है वही सप्लाई इस पिन पर भी आती है, यानी ये दोनों आपस में आप देख रहे होंगे कि कनेक्ट है। जबकि इस साइड का जो दोनों पिन दिखाई दे रही है, यानी इस तरफ, ये आपस में कनेक्ट है और इन दोनों के बीच में ये एक डिस्क लगी हुई है। ये डिस्क पीटीसी डिस्क है और सारा खेल इसी डिस्क का होता है। ये किस तरह से वर्क करती है, जब हम इस पिन पर सप्लाई देते हैं तो जो सप्लाई इस जगह आती है वो इस डिस्क से होके इस वाले पिन पर भी पहुंचती है, तो सप्लाई के मिलते ही जो सप्लाई रन टर्मिनल पर आती है वही इस डिस्क से होके स्टार्ट टर्मिनल पर चली जाती है इस तरह से। लेकिन क्योंकि ये पीटीसी डिस्क है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिस्क है, तो इसमें से करंट के गुजरने पर इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और जैसे ही इसका टेम्परेचर हाई होता है ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए रेजिस्टेंस की वजह से जो सप्लाई यहां आ रही थी वो आगे की तरफ नहीं जाने पाती, यानी रुक जाती है, जिससे मोटर रन पर और कॉमन टर्मिनल पर, यानी रन और कॉमन टर्मिनल पर चलता रहता है और स्टार्ट इस डिस्क के थ्रू स्टार्ट होने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है। इस रिले में तीन पिन हो या चार पिन हो, इनकी जरूरत इसलिए होती है जब हमें कैपेसिटर लगाना होता है तो ये कैपेसिटर रन और स्टार्ट के बीच में लगाया जाता है। अगर ये चार पिन का है तो हमने सप्लाई यहां दी थी तो एक हम यहां कनेक्ट कर लेते हैं और एक स्टार्टिंग टर्मिनल पर कनेक्ट कर लेते हैं, यानी इस वाले पिन पर। और अगर ये तीन पिन का होता है तो चाहे हम इसमें कनेक्ट करें या इसमें कनेक्ट करें, लेकिन चूंकि ये चार पिन का है इसलिए कैपेसिटर के लिए ये दो जगह हम यूज करते हैं। और यहां इसको एक बार फिर से समझ लें कि जो सप्लाई हम यहां देते हैं वो रन में डायरेक्ट जाती रहती है और इस पीटीसी डिस्क से होती हुई स्टार्ट टर्मिनल पर पहुंचती है। जैसे ही मोटर स्टार्ट होता है, यानी इसका वक्त होता है 1 से 3 सेकंड, तो 1 से 3 सेकंड में ये बहुत ज्यादा हीट हो जाती है और हीट होकर इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से स्टार्ट हो जाने वाली सप्लाई ब्रेक हो जाती है और ये मोटर सिर्फ कॉमन और रन टर्मिनल पर लगातार चलता रहता है। उम्मीद है पीटीसी डिस्क के अंदर का ये फंक्शन आपको समझ में आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।